नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक एमएससी प्रीवियस का मोस्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो 2019-2015 इस तरह से एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम एमजीएससी और जितनी भी यूनिवर्सिटी, हम सभी की हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। और ये जो नोट्स हैं, ये पूरे के पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक पीडीएफ बनाई गई है। अगर आप लेना चाहें तो हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जो नोट्स हैं वो 5 ईयर वाले के जो क्वेश्चन हैं वो प्रोवाइड करवा दे देंगे किफ़ायती रेट के अंदर। तो 9875-1745 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, आप इनसे हमारे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अब डेमो देखें पहले कि आपको अच्छा लगे, तभी नोट्स परचेज करें। तो 5 ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस में नोट्स भी मिलेंगे। तो लेना है तो संपर्क जरूर करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की हमने पीडीएफ आप लोगों के लिए बनाई है। तो चलिए आज के इस टॉपिक के हम शुरू करेंगे ज़्यादा देर न करते हुए। तो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट रहेगा, जैसे हम मोस्ट क्वेश्चंस की आपको पूरा का पूरा करवाएंगे, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल, एनालिटिक्स सभी का आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो इससे क्या जो भी होगा वो आपको पहुँच जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ये हर बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, और 2019 के अंदर ये वेरी मोस्ट आया था, और अब इस बार भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये जो नंबर है वो आपका 10 नंबर किससे भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर वाले से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आराम से। पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन क्या होती है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी टाइप ऑफ दिस, ये कितने प्रकार का होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, कितने प्रकार की होती है। फिर पूछ रहा है कि इसकी जो क्रिया विधि है वो क्या होती है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे पूरा का पूरा एक बन गया, तो 10 वाला नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है आराम से। तो हम आज इसको सीखेंगे और एकदम से हिंदी लैंग्वेज के अंदर सीखेंगे इजी मेथड के साथ में। ये नहीं है कि हम इंग्लिश से प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसको कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए हमारे जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एकदम से अच्छे वाले होने वाले हैं। तो देखें आगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन इसमें क्या है। इलेक्ट्रॉन जानते हैं आप लोग आराम से, यानी ये तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। यह परमाणु होता है, यहाँ पे नाभिक होती है, यहाँ पे कक्षक होते हैं, ये आप सब जानते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन इनकी कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे में क्या है ट्रांसफ़र होता है, तो यानी इधर से उधर। तो इनकी एक रिएक्शन होती है, वो किस तरह से होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या इनकी क्रियाविधि होती है, वो क्वेश्चन है ये। इसको आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखें, तो वह अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक संकुल के परमाणु आयन से दूसरे संकुल के केंद्रीय परमाणु की ओर होता है, जिससे संकुल पर आवेश तो स्थिर रहता है परंतु केंद्रीय परमाणु आयन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है ना, वो परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को संकुल में अधिकतर पाई जाती है। वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण इन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहना गया है, ये जो मोटा मोटी जो संकुल की बात है, संकुल आप जानते हैं जैसे कोबाल्ट वाला या एन-3 वाला, इस तरह से आप नहीं देखें तो देख लेना। तो ये जो संकुल होते हैं इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय धातु आयन होता है, यानी संकुल के परमाणु आयन से दूसरे संकुल के केंद्रीय परमाणु की ओर आयन, यानी ये वाला है ये कोई इसी का एक जैसा का दूसरा है, उसकी ओर क्या होगा इनका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने के बाद में इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया चलती है, अभिक्रिया होती है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है, हम एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपको इस तरह से लिखनी है, तो आराम से लिख देना। वह अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक संकुल के परमाणु आयन से दूसरे संकुल के केंद्र, अब संकुल नहीं जानते होंगे भाई, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना डरने की कोई बात नहीं। ये होते हैं ना ये वाले, इस तरह से 4 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये तो होता है हमारा धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन बोलते हैं इसको, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन होता है। और ये जो होता है इनको हम बोलते हैं लिगेंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, समझ लेना आराम से समझ में आ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संकुल के परमाणु आयन से दूसरे के संकुल के केंद्र परमाणु की ओर और होता है, मतलब अपनी जैसे यहाँ पे ये बैठा है और यहाँ पे ये बैठा है, तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु तो ये क्या करेगा इसकी ओर इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना ये केंद्रीय धातु आयन की ओर, यहाँ पे केंद्रीय धातु, यहाँ पे लिगेंड है तो यहाँ इसकी ओर आकर्षित होगा, तो इसकी ओर हो रहा है ना तो वो ही क्या होगा इसमें जो आवेश है वो तो स्थिर रहता है, जो उसके जो भी केंद्रीय धातु आयन जैसे प्लस टू प्लस थ्री जो आवेश है वो तो स्थिर रहेगा, लेकिन इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो एकदम इजी तरीके से हम समझेंगे इसको, ये मैंने बता दिया क्या है। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, इसको शॉर्ट नाम हम ETR से भी इसको हम बोल सकते हैं। ETR का मतलब E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसफर, R फॉर रिएक्शन, इन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण क्रियाविधि बोल सकते हैं या भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है। पहली है इनर स्फीयर रिएक्शन, इनर का मतलब आंतरिक और आउटर का मतलब बाह्य, तो इनर वाला हम देखेंगे। तो ये तो कितने प्रकार की होगी, ऊपरी ऊपर पूछा था कि भाई टाइप ऑफ, ये देखो ऊपर दिया हाउ मेनी टाइप दिस आर, कि ये कितने प्रकार की है, तो कितने प्रकार की होती है दो, कौन कौन सी होती है इनर दूसरी आउटर, तो इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, इतना समझ में आया होगा आशा करता हूँ, आपने लाइक कर दिया होगा यार, एक लाइक ही तो करना है और कुछ नहीं करना, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये क्लास है कैसी लगी। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ये करो, तो मैं क्या करूँ भाई, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो हल करवा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन होगा वो ऑर्गल डायग्राम के, ऑर्गल डायग्राम को पढ़ने से पहले आपको कुछ जो क्वेश्चन है वो पढ़ने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा, वो भी मोस्ट क्वेश्चन है ऑर्गल डायग्राम का। ये बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वो करवाए, तो करवाऊंगा मैं बेझिझक, लेकिन ये जो है मोस्ट क्वेश्चंस वो पहले करवा दे रहा हूँ। तो संकुल की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में जो संक्रमण है अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था जानते हो क्या बच्चों आप? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे सी प्लस ओ टू, ये तो सीधा सा सी ओ टू वाला बन गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे धीरे धीरे टूटेगा, फिर यहाँ पे प्लस आ गया यार, ये एकदम धीरे 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 जो टूटने की, जो ये इंटरमीडिएट होता है ना इनकी जो बीच की अवस्था होती है ना, इसको हम संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट अवस्था भी बोलते हैं। तो संकुल की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में जो संक्रमण अवस्था निर्माण के दौरान, यानी निर्माण के दौरान क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांसफर के लिए एक संकुल के केंद्रीय आयन से जुड़े सहसंयोजक लिगेंड, अब इस यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे एक कोई लिगेंड NH3 है, इधर भी कोई NH3 है, इधर भी कोई NH3 है और इधर भी NH3। अब ये समझो ये बोल रहा है कि ये जो लिगेंड एक दूसरे के संकुल में आयन के साथ में जुड़ा है, तो एक ब्रिज की तरह ये, अब ये बन रखा है, देखो एकदम ब्रिज का तरह बन रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो जुड़े सहसंयोजक लिगेंड किसी दूसरे संकुल के केंद्रीय परमाणु के साथ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तथा ये लिगेंड दोनों संकुल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का कारण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इनर स्फीयर रिएक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इनर स्फीयर रिएक्शन कहेंगे। तो आपको ये जो बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी मोर की, क्योंकि अभी यहाँ का जो मौसम हमारे राजस्थान का वो कुछ अलग ही चल रहा है, इसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि सर आप बैकग्राउंड में मोर की आवाज़ कैसे सुना रहे हो। तो इस पे फोकस मत करें, ओनली फॉर स्टडी पे फोकस करें, ठीक है। तो अब आगे देखें, इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लिगेंड का ट्रांसफर साथ साथ होता है, मतलब लिगेंड और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का जो ट्रांसफर होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और लिगेंड हो गया, इन दोनों का क्या हो जाएगा, साथ साथ हो जाएगा। पहला पॉइंट ये लिख देना आपको। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ना, उसमें संकुल में केंद्रीय परमाणु है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर हो जाता है। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है तो आंतरिक है ना, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर हो जाता है। अब फिर से देखो मोर कितनी आवाज़ के साथ में बोल रहे हैं, आपको एकदम उल्लास कर रहे हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नंबर लेके आओ, ये आपको संबोधित कर रहे हैं। अगला तीसरा पॉइंट देखें, इन पे फोकस मत करो। एक लिगेंड दो मेटल के मध्य ब्रिज संरचना में बंधा रहता है। क्या बोला इसने? एक लिगेंड जैसे NH3 है, इसमें दो मेटल के, अब यहाँ पे एक यहाँ पे मेटल हो गई और एक इधर वाली साइड हो गई, ठीक है, तो मध्य संरचना में बंधा रहता है, यानी इस तरह से ये बंधा रहता है एक ब्रिज की तरह, है ना।
ब्रिज जानते हो ना, इसमें ब्रिज में पुल बोलते हैं ना, इस तरह से बंदा होता है, इस तरह से बीचों बीच ये पुल रहता है, तो बस ये बोलना चाहता है और कुछ नहीं। तो ये मध्यवर्ती या ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है, ठीक है भाई, मान लिया इसको। अगला चौथा पॉइंट बोलता है कि इनर स्फीयर रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट की जो संरचना है वो ब्रिज जैसी होती है। हाँ भाई, ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे है, यहाँ पे लिगेंड और सॉरी ये क्या लिखा है यहाँ पे, वो मैंने बता दिया इस तरह से, यहाँ जैसे इस पे ये चल नहीं रहा, NH3 इधर NH3, तो एक ब्रिज की आकार जैसी एक संरचना हो जाती है, ये कहना चाहता है और कुछ है नहीं। बस इनका जो अगर ये लिगेंड जाएगा तो इनके साथ में इलेक्ट्रॉन का भी स्थानांतरण होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इनर स्फीयर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट की संरचना ब्रिज जैसी होती है, सही बात है, अतः इसे ब्रिज एक्टिवेट रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे ब्रिज एक्टिवेट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब देखो अगला पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, ये जो ब्रिज है ना, किन्हीं दो परमाणु के मध्य किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अब आगे देखो, यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा होगा एकदम से जो एग्जांपल है उससे समझाया गया है अच्छी तरीके कि भाई यहाँ पे कोई संकुल है और यहाँ पे ये संकुल है, तो अलग अलग संकुल है ये, तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे ये भी लिगेंड है, यानी संकुल है, सॉरी ये भी संकुल है और ये भी संकुल। अब इन दोनों का क्या होगा, एक रिएक्शन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन का इनका ट्रांसफ़र होगा। तो वह जो ऊपर पॉइंट ये बता रहा है कि अगर ये ट्रांसफ़र होता है उस समय क्या होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी ऑक्सीकरण अवस्था है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है और जो आवेश होता है वो स्थिर रहता है, ये बताया गया है और कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ये वाला और ये वाला, इन दोनों की करवाया तो हमारे पास ये दो निकल के आते हैं। तो यहाँ पे ये जो बंदर है ना, इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट। अब आगे हैं, सॉरी इनको इंटरमीडिएट नहीं, दो अलग अलग ये भागों में विभक्त हो गए हैं। अब ये तो पूरी की पूरी जो अभिक्रिया हो रही है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन। ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन नज़र आ रही है ना आपको, इनको बोलें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख के आना है। अगला है कि भाई ये कैसे हुई है, ये पूरा का पूरा बना क्या है, ये जो बना है ये किस तरह से बना है, इसके लिए आपको क्या है, क्रिया विधि को समझना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग, यहाँ पे ये संकुल है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ से H2 को निकाल दिया, यहाँ से H2O6 है, तो यहाँ पे कोई जल का अणु है जो यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये H2 निकल गया तो बचा क्या है, H2O5, तो संकुल बचा हमारा क्रोमियम H2O5, ठीक है। अब आगे देखें तो आगे क्या बोल रहा है कि भाई CONH3 ये आपका बना है। अब जो दूसरा स्टेप में हो रही है, ये रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप होता है, एकदम धीरे धीरे होता है ये। तो यहाँ पे ये जो बनी है ना, इसको हम बोलते हैं हमारी जो इंटरमीडिएट अवस्था है, इंटरमीडिएट स्टेट यानी मध्यवर्ती बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, मध्यवर्ती अवस्था बोलते हैं, क्योंकि ये बीच की अवस्था अभी तक बना नहीं है ये। तो इन पे +2 का चार्ज, यहाँ पे +3 का चार्ज, तो यहाँ पे की जो अवस्था हो रही है ये हो रही है इंटरमीडिएट अवस्था। तो ये एक पुल के आकार की तरह नज़र आएगा, तो इसलिए इसको हम ब्रिज के नाम से भी इसको बोलेंगे, ब्रिज जैसी है ना। तो यहाँ पे देखो दे रखा है कि भाई यहाँ पे मेटल है और यहाँ पे भी मेटल है, कोबाल्ट और क्रोमियम, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यहाँ पे क्या निकला है, H2O। फिर इन दोनों को H2 के साथ करवाने के बाद में ये दोनों प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन है जो यहाँ पे इसके साथ में जुड़ जाता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है दोस्तों। तो इस तरह से ये लास्ट में ये बन के निकल के आ जाता है, इनको हम बोलते हैं इनर स्फीयर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक वो क्लियर हो गया है, आगे दिया गया है कि भाई क्या क्या है, और थोड़ा सा और समझा देते हैं क्योंकि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, पॉइंट दिए गए हैं उसको समझते हैं कि भाई ये जो हुआ है ऊपर वाला, ये वाला, ये किस तरह से हुआ है वो समझते हैं, इसके लिए कुछ पॉइंट है वो सीखने वाले हैं। तो इसकी जो क्रिया विधि है वो निम्न बिंदु से समझ सकते हैं हम लोग। पहला क्या बोलता है कि CrH2O6+ में जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, +2, ठीक है।
प्लस की 2 तथा एक एच टू अणु का त्याग कर, ये क्या करे, एक एच टू अणु को त्याग कर प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था का, ऑक्सीकरण अवस्था वाला एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया। इसने क्या किया, अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, इसका एच टू अणु है, सॉरी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था वो तो प्लस 2 है, लेकिन इसका जो एक जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, उसने त्याग दिया। त्यागते ही एक ये बन जाता है हमारा, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी एक सक्रिय संकुल बन जाता है। पहला पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, कौन सा बना हमारा, ये वाला बना है CrH2 और CNH3 वाला, ये हमारा एक एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बना। तो ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो इससे क्रिया कर एक मध्यवर्ती अवस्था से निर्मित करता है, मतलब एक मध्यवर्ती अवस्था का निर्माण कर लेता है, कहने का मतलब यही है। अगला पॉइंट क्या बोलता है कि इस मध्यवर्ती अवस्था में जो क्लोरीन आयन होता है उसमें दोनों कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, ये जुड़ा होता है, यानी यहाँ से भी जुड़ा है और यहाँ से, दोनों से ये क्लोरीन है आयन है जो कॉम्प्लेक्स से जुड़ा रहता है और ब्रिज लाइक जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रिज जैसी एक स्ट्रक्चर बन गई है। तो ये होती है हमारी ब्रिज जैसी स्ट्रक्चर, आपको नज़र आ रही होगी। अब अगला पॉइंट समझें, तो ट्रांजिशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसफ़र क्रोमियम प्लस 2 से कोबाल्ट प्लस 3 की ओर होता है, यानी यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रोमियम है वो जो किस की ओर हो रहा है, क्रोमियम है जो कोबाल्ट की ओर, यहाँ पे इसका ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो कोबाल्ट प्लस 3 है तथा क्रोमियम प्लस 2 है, तो ब्रिज बॉन्डिंग से जो क्रोमियम प्लस 2 है वो क्या है, Cr+3 में, तथा यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3 है वो किस में हो गया, कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे Cr+2 था वो कितने में हो गया, Cr+3 में, और CO+3 था वो CO2+ में कन्वर्ट हो गया है। ये पांचवा पॉइंट बोलता है। क्लोराइड आयनिंग में जो प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसकी तुलना में प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था की तरफ अधिक आकर्षित होता है या अधिक जल्दी क्रिया करता है तथा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का ये निर्माण कर लेता है। ये पॉइंट जो छठा पॉइंट ये बोलता है कि जो क्लोराइड आयन है उसके प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था की तरफ अधिक आकर्षित करता है या अधिक जल्दी क्रिया करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है वो क्या बोलता है कि इसके दौरान ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो Cr+2+ है वो Cr3+ की ओर होता है तथा क्लोरियम आयन का जो ट्रांसफर है वो Cr3+ Cr2 की ओर होता है, अतः ये दोनों क्रिया एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है। आई बात समझ में, इस तरह से ये पॉइंट है जो आपको लिख के आने हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन का जवाब दिया और काम से हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। आगे देखें, ये दोनों ट्रांसफर स्टेप एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट कि ये होगा तभी वो होगा, तो एक दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं होता है। यह अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की होती है, तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का लिख के आना है। तो आज के इस वीडियो में मिलते हैं, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नोट्स लेना चाहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारे नंबर हैं 90 57 70 15 45 पे हमें मैसेज करें, तो आपको है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और PDF मिलेगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।